एंट्री पास करने के बाद अगर आपने इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आप रिपोर्ट में जाएंगे ऊपर और यहाँ पे आप जर्नल जर्नल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जर्नल जर्नल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो गई, यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो रिपोर्ट आ रही है वो कैश अकाउंट रजिस्टर, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपके पास विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे सिर्फ आपके पास कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो यहाँ पे शो होगी, यानी पेमेंट अमाउंट आपके पास शो होगी और रिसीट आपके पास जो है वो शो होगी कि आपने कितनी रिसीव की और कितनी पेमेंट की है। तो इसी तरह आप रिपोर्ट में दोबारा आए, उसके बाद आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है कि आपके पास कितने चार्ट ऑफ अकाउंट्स है आप इसको भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास बेसिकली सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं। इसी तरह अगर आपने जर्नल जर्नल को जो एंट्रीज आप पास करते हैं उसको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर ले, जर्नल लेजर को अगर आपने चेक करना है तो ये देखिए इस पे क्लिक करके तो आपके पास ये सारे जर्नल जो है बने बनाए आपके पास आ जाएंगे। तो ये बेसिकली सारे आपके पास जो लेजर है वो बने बनाए आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, आपने इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपके लिए रिपोर्ट है। इसी तरह अगर आपने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस चेक करना है या वर्किंग ट्रायल बैलेंस चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, यानी जो आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो आपके पास ये बेसिकली रिपोर्ट्स है, यानी आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड इनमें से कोई भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं।